सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ आर कंप्लीशन सीरीज। तो लास्ट एपिसोड में क्या किया था मेरे को याद नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया। वो क्यों लगा था वो आने वाले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। आज वैसे ही बहुत सारे काम करने, जैसे डिलोफो को टेम करना, इची और लास्ट में बचा पेची, तीन ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में, इन तीनों को टेम करना है। और पेची के लिए एडवेंचर में भी जाना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे चेस्ट लगा लेते, क्योंकि अगर कुछ सामान ज़्यादा ही हो गया तो रखने में काम आएगा। वैसे भी अभी 14 लेवल पे हम, 16 लेवल पे लार्ज स्टोरेज बॉक्स खुलने ही वाला है। और बाकी के चेस्ट इस साइड लगाए या उस साइड, काम करते लेफ्ट साइड लगा लेते, क्योंकि दैट साइड में अगर बुक सेल्फ और वो लगाएंगे तो वैसे भी नीचे में ज़्यादा स्टोरेज का ही काम है। इसी के लिए साइड वाले मैंने फाउंडेशन लगाए थे। तो अभी के लिए तो छोटे लगा रहे थे, क्योंकि 16 लेवल जाने में वैसे भी अभी तीन को टेम करना है, उसके बाद 15 का भी काम, आइटम्स लगानी। और हाँ, वुडन केज सोलो में वैसे भी ज़्यादा काम नहीं आता, मल्टीप्लेयर में भी कोई यूज़ भी नहीं करता। और सीरीज का यही काम है, यही रूल है, हर चीज़ को यूज़ करना है, तो इसको भी कर ही लेते। अब क्वेश्चन ये है कि इसको प्रिजनर कौन, किसको बनाए। तो पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा हो तो बेबी डोडो हमारा मरा था, डिलोफो के हाथ या मुंह किसे मरा था, क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, बाहर नहीं, यहाँ पे उस पुरानी बेस लोकेशन पे काम कर रहा था, कार्बन में इसको टेम कर रहा था या फिर किसी को, तब मारा था डिलोफो ने। तो इसी को ही ट्रैप कर देते, पहले इसको बुलाते और लालची बंदर की तरह वो आ जा रहा है, पता नहीं मुझे क्या सोच के आ रहा है, मुझे मार ही देगा 15 लेवल का। तो वो यहाँ कार्बोनिमिस ने हग के रखे दो दो अंडे, उठा भी नहीं सकते, अभी लो लेवल है, मार देगी। हाँ भाई, तू थूक ले पहले, मतलब जेल जाना है उससे पहले भी अपने पूरी विशेष पूरी करनी है। मतलब केज ऐसे हम टेमिंग पेन की तरह यूज़ हो सकता है, मैं ये सोच रहा हूँ, तो या ट्राई कर लेते। लग भी जा निशाना, और लग गया भाई यार, मतलब इतनी लो हेल्थ, 92 थी, हेडशॉट पे इतना ज़्यादा डैमेज। कोई नहीं, एक डिलोफो को टेम करने है तो उसको रख देंगे। और अब चलते हैं एक हमारे प्रिजनर को टेम करने, मतलब जेल जाना है उसको भी टेम करना पड़ेगा। और इन दोनों को देखो, 210 लेवल, ठीक है, अभी प्रिजनर बनना ही तो 200 इस ठीक है, 450 या 350 नहीं तो। और ये लास्ट शॉट अब हो गया, एक नॉक हो गई है। और वहाँ कौन से लेवल, 150 रहने दो, 39 में काम हो जाएगा, डाउट हो रहा है, इसको मार के देख लेते, कुछ ज़्यादा ही हेल्थ है, इसको मार के। हाँ हो जाएगा काम, क्योंकि अभी एक में चार हुआ है। तो अब वेट करते, इसको माने वैसे भी कोई आने ही नहीं वाला। और
नार्कोटिक्स लाना भूल गया। उसको देखो 150 से 405 वाली तो मैंने ट्राई कर रही, खाएगा भाई नहीं, अब एक एक बेरी खाएगा हर एक मीट पे। नार्कोटिक्स लेके आनी पड़ेगी, इससे पहले इसको मार देते, क्या पता कभी मूड हुआ और पता चला मैं नार्कोटिक्स लेने गया, उतने में फिर से बेबी डोडो की तरह मार लिया। और ये हो गई हमारी प्रिजनर रेडी जेल जाने के लिए। इससे अच्छा मेल को अटेम कर लिया होता, मेल तो वैसे भी मिला नहीं, दोनों फीमेल ही थी। अब देखोगे आप एक महिला को जेल जाते हुए। इसका अग्रेशन पैसिव, क्योंकि इसको मार दे तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब चले जा, नहीं वहाँ एक एज से टकरा गई भाई यार, औरतों के भी अलग ही नखरे। फिर से अब घूम के आएगी, अरे घूम के आने में उसमें भी टकरा गई, क्या करे इसका। ओके अब वो वाह दरवाजा बंद, अरे आजा। ओके अब यहीं पे अपनी ज़िंदगी बिता, अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए। ओके एक वहाँ कौन सी 30 लेवल मर जा तू भाई। ओके 285 की एक, इसको अभी ध्यान में रखते हैं, अगर कोई नहीं मिली इसे ज़्यादा लेवल की तो इसको ही टेम करना कर पड़ेगा अभी के लिए। वहाँ पे भी 30, अपने आसपास देखते हैं सेफ एरिया में कोई अगर अगली मिली तो। इंच थी हो या इंची पता नहीं, इंची कहेंगे इसको, वो ज़्यादा इजी रहेगा। इंच थी हो सोरस पता नहीं क्या ही नाम है भाई यार, क्यों ही गया मैं उसके पास। अभी लेफ्ट साइड वाले ओशियन में तो यही है लेवल, अभी राइट साइड वाले में भी देखते, वो उससे भी वो एरिया मेगलोडोन और उससे ही भर रखा है, सेफ एरिया तो है नहीं। यहाँ पे देखो 255, पता नहीं वहाँ मैक्स लेवल मिल जाए तो, टेम वैसे भी करनी नहीं है। ये देखो यहाँ पूरी मेघ और मछलियों से भर रखी है, मेंटा मांटा नहीं क्या क्या फेंटा कहने दो नाम का, पता नहीं क्या ही हो रहा। और ये अलग दिख रही है, बे यार अब स्टेमिना भी, वो मरेगी भाई उड़ रही हो। हर जगह तो ये मछली है, फिर ये घूम रही है। अंडे कौन छोड़ रहा है भाई पानी में,
हाँ भाई, पानी में कोई हक भी रहा, मतलब पानी या पूरा टॉयलेट, पता भाई टॉयलेट के अंदर ही तो नहीं गिर गया ना मैं। ओके दैट वॉज बैड जोक। आप आते अपने काम पे, कौन से 1:35 भाई, भाई मिल ही नहीं रही, और सिर्फ फिरा में तो कते ही नहीं है। 45 को मारने में हालत ख़राब हो रही है भाई। प्राइम फिश मीट, वाह मेटल एक्स, कुछ तो फायदा हुआ मारने का। और अप्रेंटाइस हेड, मतलब हार्ड कोर में ऐसे मिल तो रही है प्राइम फिश मीट इससे, ईजी या हार्ड में तो कम मिलती थी, मीडियम और उसमें तो मिलती ही नहीं है। पता नहीं कितना ही ट्राई करो, उसमें हार्डली मैंने कभी यूज़ की हो, मतलब मिली हो ये प्राइम फिश मीट। जो भी मिलती थी वो ट्यूस हो या पता नहीं कौन देते, उससे ही हार्ड में वैसे कम मिलती है, हार्ड कोर में तो 4-5 ऐसी एक से मिल रही। इची को अटेम्प्ट ने काम तो आएगी अब। उसको देखो पता नहीं, अब चलते 285 वाले के पास ही, क्योंकि और कोई तो है नहीं हाई लेवल, डीप ओशियन में मिल सकती है, तो इसको टेम करके उसके पास जाना पड़ेगा। वहाँ पे पता नहीं कहाँ है अब, उस साइड ना हो, क्योंकि वहाँ पे जाते पता चला मैं मर गया आ गया, उस साइड ही है, पैरासोर से जाना पड़ेगा उस साइड। 45 वाली तो प्राइम मेरे को दिखी भी नहीं। 2.1% एक प्राइम फीस मीट से, और दूसरे में तो अभी पता नहीं साल लग जाएगा, मिलता हो आपको या फिर इसको ट्रिप करते हो पाया तो। ओके गाइस, तो अभी एक ट्रिप हो रखी है, अब इसको सिर्फ मीट खिलाते, नहीं निकल पाएगी, रहने दे। देखो घूम रही है, नहीं निकल पाएगी, अच्छा हुआ ट्रैप तो बना लिया, अब वैसे भागे भी नहीं, और अब वैसे भी इजी है, इसको सिर्फ मीट खिलाने और कुछ नहीं। देखो कैसे घूम रही है, नहीं निकल पाएगी तो रहने दे, ट्राई मत कर, वैसे ट्राई कर क्योंकि तू ज़्यादा भूख लगी, जल्दी टेम होगी। वाह भाई, अब तक कैसे घूम रही थी, मेरे को लगा नहीं निकलेगी, अचानक से पता नहीं क्या हुआ निकल गई। ओके अब आजा 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 इस साइड, अब फिर से ट्रैप हो, और फाउंडेशन नहीं है मेरे पास, तैयारी करके नहीं बैठा हूँ, अब वहाँ पे जाके बनानी पड़ेगी। और ये अंडा फ्री का, पता नहीं पैरासोर क्या सोच के अपने बच्चों को ऐसे ही कहीं के लिए भी छोड़ रहे, किसको पता नहीं चलेगा किसके पेट में कब चले जाए। वैसे इस वर्ल्ड में तो ह्यूमन में ही हूँ, उनके पास दिमाग भी नहीं है वैसे सोचने का, रहने दो। और कहाँ भाग गई वो, आ रही इस साइड आ। ओके आ रही, देखो ये भी लालच आके ट्रैप हो रही, आ जा आ जा इस साइड। और तेरे पास कुछ है भी नहीं तो ये रख, थोड़ा वेट तो कम हो। एक फैंस और दो डोर फ्रेम अभी के लिए ठीक है, और फ्री गिफ्ट कूट फ्राइम मीट,
टेम करने में थोड़ा तो काम आएगा, अच्छा टाइमिंग है। सूथिंग बाम के बिना तो पता नहीं कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रही है टेम होने में। जल्दी से जल्दी रैप्टर को टेम करके हंटर के कंप्लीट करनी है, वरना तो हर टेम में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा सबको टेम करने में। और ये देखो लालच अब तक घूम रही थी, मेरी शक्ल देखी आ गई खाना खाने के लिए। भूखी नहीं होती ना कसम से, आती ही नहीं। अरे इस साइड आ जा, ट्रैप इस साइड है। अब यहाँ पे दूसरी है तो ट्रैप भी नहीं लगा सकता, दिक्कत देगी बीच में ये। ये देखो खाना खा लिया, अब देख भी नहीं रही मेरी तरफ। लालची मानुस, मानुस नहीं डाइनो। देखो फिर से भूख लगी, अब फिर से आएगी नहीं है क्या? टाइमिंग भाई गलत टाइमिंग हमेशा मेरी। देखो ऐसे बोलने पे किसको रियलाइज होता है ना, आज दुनिया एकदम ऐसे साफ होती बिना क्राइम के, लेकिन यही। देखो फिर से आगे मुंह अपना रेत में गाड़ के, अब हिलियो मत, ट्रैप हो जाए इसके बाद, हिलना हो जितना हिलना। और तू चली जाए यहाँ से, देखो वो चली गई लेकिन अपने दोस्त को निकाल के गई। 5 minutes later. अब फिर से आ जा वहाँ घूम रहे, पता नहीं अब आएगी भी नहीं, आ तो गई। देखो भूख लगी कैसे आ गई, पिछली बार तो यहाँ तक अपना मुंह गाड़ रखा था, अब आ तो जा। यहाँ पे फेंस फाउंडेशन उठा लेता हूँ, वह जरूरत पड़ी तो इसके पीछे ही लगानी पड़ेगी। आ तो नहीं रही, चली गई। यह भी कूद के गई ना, क्योंकि वहाँ पर डोर फ्रेम हो रहे मेरे पीछे से भी। 2000 years later. ओके फिर से अपना टाइम पास करने आ जा, मेरे रिसोर्स वेस्ट कर ले, अब ट्रैप तो हो जा। आ भी नहीं रही, अरे ऐसे ही भागे मुड़ के। आ जा इधर खाना है, आ भी नहीं रही, उस साइड चली गई। लग तो नहीं रहा अब आएगी भी, उस साइड ही जाना पड़ेगा। ओके पास आ गई, अब आ जा इस साइड नहीं आएगी, रहने दे, अब उस साइड ही जाना पड़ेगा क्योंकि इस साइड तो आने से रही। ओके तो अब नहीं हिल रही, अभी भी नहीं, अब ट्रैप करते, हिलेगी भी नहीं। और ये लगी दूसरी और भाग गई। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। ओके अब जा रही है अब नहीं हिल रही। ओके हिली थोड़ी लेकिन नहीं, यहाँ पे फिर से भागी। Eternity later. कर ही नहीं रहा ट्रैप अब, वैसे ही कुछ कम ही बचा है, 4%।
एक दो और उसके बाद टेन होनी है। पता नहीं कितनी बार ट्राई की ट्रैप करने की, वीडियो में तो पता नहीं मैंने दो तीन बार ही दिखा होगा, चार पांच, इससे ज़्यादा बार मैंने ट्राई किया था, वही नहीं रही, हर बार हिल जा रही एक फेस पे। अब फाइनली जल्दी से टेम हो जाए, पीछा छूटे इससे। और इसके बाद दूसरी भी हाई लेवल टेम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो कुछ ज़्यादा ही है। देखो 350 और 285 कितना फर्क है। इसके बाद अभी पेची को भी ढूंढना है। पेची की तो पहले लोकेशन देखनी पड़ेगी कहाँ कहाँ स्पॉन होती है। और ये रही इसकी लास्ट बाइट, घूमना बंद कर। अब पता नहीं कितना दौड़ाया और टेम भी कब हुई, हिलते हिलते। ये चीज़ सबसे अनोइंग है अभी टेम करने के लिए स्टार्टिंग में स्पेशली, क्योंकि आप डीप ओशन में जा भी नहीं सकते और ये इतना तंग करेगी। अभी फिलहाल के लिए तो वाटर एडवेंचर पे जाना नहीं है, तो कभी ऐसे ट्रैवल करना और एक साइड से दूसरी साइड तभी काम आएगी। अब चलते हैं पेची को ढूंढने, होपफुली हाई लेवल जल्दी मिल जाए। असेंडेंट स्टोन हैचेट की ब्लूप्रिंट। चलो गिफ्ट में कुछ तो अच्छा मिला। अब बेस जाते पहले इसको बनाऊंगा, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी और डैमेज कुछ ज़्यादा ही आई है मेटल एक से। अभी के लिए तो मेटल यूज़ करते। तीस लेवल का सांप यहाँ बीवर डैम है, इसलिए मैं लूट रहा हूँ, क्योंकि बीवर डैम पता नहीं कभी मिले। फ्लायर आने के बाद तो अभी कुछ ज़्यादा ही टाइम है, तब तक तो बीवर डैम से ही काम चलाना पड़ेगा यहाँ के सीमेंटिंग पे स्टोन सब के लिए। इसके पास हो गई कोई लूट अच्छी। अब चलते हर्बीवर आइलैंड, क्योंकि लावा केव के आसपास तो पेची है ही नहीं हाई लेवल वाला, लो लेवल वाले थे। और सरप्राइजिंगली कार्बोनेमिस से ज़्यादा तेज़ पेरास हो रहे भाई पानी में। मतलब कार्बोनेमिस का काम ही क्या है इस गेम में।
वो ज़मीन में भी, ज़मीन पे भी इतना स्लो है, पानी में भी पैरासोर से स्लो है भाई। ये सीरीज नहीं होती ना, कसम से उसको कोई टेम करता भी नहीं और ना मैं करता। अभी हर्बी वाला एंड पे देखते, कोई मिला तो हाई लेवल वाला, अभी इसको पूरा देखता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप सब से। हर्बीवर आइलैंड जहाँ पे सब हर्बीवर्स रहते हैं, वहाँ पे पेची नहीं स्पॉन लेता, अरे फ्यूमिया तक लेता है यहाँ पे स्पॉन भाई। क्या काम ही है पेची अगर ढूंढना है तो जहाँ पे, तो कोई ट्राई भी मत करना। वैसे पेची को कौन टेम भी करता है मेरे को भी नहीं पता, उसका काम ही नहीं है। सो और वैसे भी कुछ ज़्यादा ही लंबा एडवेंचर हो गया, और इसकी वजह से वैसे भी आप एपिसोड आने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा है। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।